हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। होप आप लोगों को मेरा हीलिंग सेशन का वीडियो मिल चुका हो। और आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो गाइस आप ये देख लो और जल्दी से जल्दी उस हीलिंग सेशन की एनर्जी आप अपने आप के लिए रिसीव करो और एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपना फ्यूचर अच्छे से बनाने की कोशिश करो। तो अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या होगा आगे। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, कंडीशन में हो, अगर मुझे करियर के लिए भी कुछ मैसेजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली ये भी मैसेज लूँगी गाइस। मतलब ये रीडिंग मेरी सभी एरिया से है। रिलेशनशिप के लिए अगर देख रहे, करियर के लिए जैसे मुझे मैसेज आएंगे तो वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। तो भी मैं लूँगी कि आगे क्या होगा। आप अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, या फिर किसी मैरिज का रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके पार्टनर आपको लगातार अवॉइड करते जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, मैं ही आपके लिए लूँगी। अगर करियर के लिए भी मैसेजेस अगर आते हैं तो डेफिनेटली वो भी मैं देने की कोशिश करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। फोर ऑफ पेंटेकल, रिलेशनशिप के लिए देखो या फिर करियर के लिए है, बट हैव अच्छे होप्स है। लवर का कार्ड आ चुका है। थोड़ी अभी हो सकता है ना मनमुटाव चलते होंगे, हो रहे आप दोनों में। किसी कोई कोई ओपनली बात कर रहा है, कोई कोई नहीं बात कर रहा है, बट मन ही मन में ना गुस्सा हुए जा रहा है। शायद जो बात नहीं हो रही, अटेंशन नहीं मिल रहा है। एम्परर होके बैठे हैं आपके पर्सन। बिल्कुल हिलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, बोलेंगे कि आपको समझना चाहिए। थ्री ऑफ पेंटेकल्स, बट यस हो रहा है आगे चलकर। इस जो आप जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ आगे चलकर अच्छा एक आउटपुट आते हुए देख रही मैं। और अगर ये करियर के लिए भी है तो ये साहब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से आते हुए मैं देख रही हूँ कि करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। जहाँ मनी की दिक्कत है आपको, अभी भी होगी शायद, पास में भी थी, अभी भी होगी शायद, बट एक ये सब जगलिंग के एनर्जी में भी रहेंगे, क्योंकि मैं क्या होगा आगे देख रही हूँ। तो ये करियर के लिए भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास हो सकता है कि ऑलरेडी एक जॉब है और एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आई है, और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी देख रहा हो। फाइव ऑफ सोर्स और टू ऑफ सोर्स, क्योंकि एनर्जी बड़ी आई है यहाँ पे। कंफ्यूज माइंड में या इस रिलेशनशिप में रहेंगे आप, बट यस आपको लव प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ, मिल रहा है लव प्रपोजल, क्योंकि लवर के कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से रिलेट कर रहे हों, और किसी किसी के लिए हो सकता है दो दिन में या फिर टू वीक्स, और जो लकी है उनके लिए बोलूँगी कि दो घंटे में भी कोई ना कोई मैसेज आपके पार्टनर से आपको आते हुए देख रहे हों। यस, इस रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो कि एक होप बनी हुई है, हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा मनमुटा हुए, झगड़े भी रहेंगे, छोटे मोटे झगड़े भी रहेंगे, एग्रेसिवनेस है, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बात नहीं करते हैं, इमोशनली आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुछ उनके मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलता है, वो बस अपने मन में अज्यूम करते हैं कि आप सभी बातें समझ लें, आप सभी बातें जान लें, और आप भी खुद करें। ऐसा शायद उनका मन में होगा कि आपको समझना चाहिए, आपको करना चाहिए, और ये बातें ना आपको बहुत जगलिंग में डाल देती है। आप समझ नहीं पाते कि इसके दिल में चल क्या रहा है, बट मन में तो उनके दिख रहा है, मुझे प्यार तो बहुत दिख रहा है, और एक आएगी आपके पास, एक लव ऑफर आएगी उनके यहाँ से। छुट्टी रहेंगी, बड़ी रहेंगी, बट एक लव ऑफर, एक अपना कप लेके वो आ रहे हैं। यस, आप उनको एक स्टेबल फाउंडेशन आप में दिखता है। आप एक समझदार महिला या तो हो सकते हैं या फिर मेल भी हो सकते हैं, बट आपकी जो एनर्जी है
यहाँ अगर फीमेल का भी कार्ड है तो भी मैं बोलूँगी कि आप एक सुलझे हुए, एक बहुत मैच्योर समझदार पर्सन हो जो आपके पार्टनर को लगता है। हालांकि हो सकता है कि कई सारे ऑप्शंस हो आपके लाइफ में, आप ऑप्शंस इज नॉट अगेन मैं किसी कोई पर्सन ही होगा, इट्स नॉट कंपलसरी, जिस कारण वो थोड़े हर्ट होते होंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम ना अपने काम में या फिर अपने, अगर आप फैमिली के एक हाउस होल्डिंग पर्सन हो तो अपने फैमिली में या फिर कहीं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, समय जा रहा है, जिस कारण आप अपने आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आपके पर्सन के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ये पर्सन ही होगा इसमें नहीं बोल सकती, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर पर्सन है और वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको थोड़ा हर्ट, मतलब ब्रेकिंग हर्ट की सिचुएशन में वो आपको डाल सकता है। और इसी कारण हो सकता है कि आपके आप मन में ही गुस्सा लिए बैठे जाते हो और आपको लगता है कि झगड़ा करें, क्योंकि आपके पर्सन ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, वो आपको खुल के बात नहीं करते, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं, ये सारी बातें आप चाहते कि वो आपको अच्छे से बातें करें, आपको अच्छे से मतलब बोलते हैं ना, नर्चर करें, केयर करें, क्योंकि आपकी ये एनर्जी लग रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बट ऐसा आपको जेस्चर आपके पर्सन से नहीं मिलता है, शायद इसीलिए ये चीज़ें मुझे लग रही है। कमिटमेंट का एक कार्ड आया है, यस, किसी किसी के लकी वन के लिए ये कमिटमेंट मिल सकता है आगे चलकर इस रिलेशनशिप में, एक प्यार भी है, कमिटमेंट भी है, एक स्टेबल फाउंडेशन भी दिख रहा है मुझे, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हो सकता है आप किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह काम कर रहे हो, या फिर आप लोग एक ही जगह कोई एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ तो ऐसी बात कर रहे हो जहाँ आपका रोज़ का मिलना जुलना है, बट आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, और आपको पता है कि आपके पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे बातों में बिजी है, या तो आपको ये ऑलरेडी पता है क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स की कोई एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है, तो मतलब आपको पता है कि आपके पर्सन कहाँ पे एंगेज है, कहाँ पे बिजी है, उनके पीछे क्या क्या काम है, उनके पीछे कितने सारे ऑप्शन है, ये आपको या तो ऑलरेडी पता है, और फिर भी आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें और आपको थोड़ा जेस्चर करें, और इसी कारण हम दोनों में थोड़े मुझे मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं, ये शायद आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, बट अगेन ये टेम्पररी एनर्जी है, ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये हो जाएंगी, ये स्टक वाली एनर्जी भी निकल जाएंगी। ओवरऑल की एनर्जी आपकी एट ऑफ सोर्स की, मतलब स्टक वाली, मतलब ये आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेगा। ये मैंने आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या होगा आगे, ये मैंने देखा है, मैं देखूंगी कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो भी देख लेना चाहिए कि वो आगे चलकर आपके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब इतना देखने के बाद आपके मन में तो डेफिनेटली ये सवाल आ ही गया होगा कि ये करेगा क्या आगे चलकर आपका पार्टनर, जो अगर कोई मेल फीमेल कुछ भी, तो करेंगे क्या आगे होके, बात करेंगे नहीं करेंगे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे तो बात भी नहीं करते, अपने ईगो में 24 घंटे बैठे रहते, दिमाग में उनके एक अलग सा फितूर रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते, और करते भी होंगे तो आपको मैनिपुलेट कर देते होंगे, आप वही अपने उलझनों में, अपने थॉट प्रोसेस में शायद हो सकता है कि आप उलझते हुए जा रहे हो, शायद इसीलिए आपकी वो कन्फ्यूज माइंड स्टेट और टू ऑफ जगलिंग की एनर्जी मुझे आपकी भी दिखी है यहाँ पे, तो मैं देखूंगी आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। मैं बहुत चाहती हूँ गाइड की बहुत एक कट टू कट आपसे बात करें, बट क्या करें, मैसेज इतने आते हैं, पता नहीं किसके लिए क्या एनर्जी निकल जाए, तो ऐसा लगता है कि मैं चुप भी बैठूंगी तो हो सकता है किसी के पास अगर ये मैसेज जाना तो वो डिलीवर नहीं होगा, बट अगर मेरी किसी बात से अगर आप हर्ट होते हो देन आई एम वेरी सॉरी। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसको गाइडेंस के तौर पे ही लेना है, बट हीलिंग सेशन आप डेफिनेटली लेना, मैंने डाला है डेफिनेटली, मुझे पूरी आशा है आपको कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा। न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल फाउंडेशन, बिल्कुल स्टेबल थॉट प्रोसेस से,
और स्टेबल माइंडसेट से आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए यस टू ऑफ कप, मैंने बोला बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम से रिलेट कर रहे हैं। यस आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे, उनके सारे एक्शंस बड़े अच्छे आ रहे हैं, चिंता मत करो भाई जान, हो जाएगा अच्छा। बीच में ऐसे क्यों आ जाते ये? यस दौड़ते हुए आ रहे आपके पास, क्या ही बोलो, सन का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। यस आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हो। सन का कार्ड आ गया तो मैं तो रुकी गई, मुझे लगा सारे मैसेज तो बड़े पॉजिटिव है, अब तो ऐसे आप टेंशन ले रहे हो, नहीं लेना है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करते हुए भी दिख रहे थे, मैंने जब देखा था कि क्या होगा आगे, तो यस वो आपके साथ मिलके हो सकता है। ये ऐसा भी है कि कोई एक ही जगह एक ही बिजनेस पार्टनर है, या फिर कहीं काम एक ही जगह पे कर रहे हैं, या फिर कहीं और एक ही जगह पे एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे ही कोई स्टेबिलिटी उनको महसूस होती फील होती अपने लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोजल देंगे, लव कमिटमेंट आपके पास आते हुए मैं देख रही हूँ। लव प्रपोजल आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यस एक एक्शन भी लेंगे, पैशन भी रहेगा, क्विक एक्शन क्विक ये रहेगा आपको। आप बहुत उनको सुंदर अट्रैक्टिव लगते हो और आपके साथ उनको वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पास उनको वो सारी पॉजिटिविटी सारी वो एनर्जी मिलती है जो जिसकी वो सोच तलाश में रहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स कितनी भी मतलब बोलते हैं ना, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो हालात हो, आप उसका सॉल्यूशन ऐसे तुरंत निकाल देते हो, और यही चीज़ आपके पार्टनर को ना बड़ी अच्छी लगती है कि भाई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आप उसका हल तुरंत निकाल देते हो, इसलिए उनको लगता है कि आपके पास आना आपके पास रहना। बट क्या है ना कि अभी मैंने देखा कि उनके जो देखा था आपके रिलेशनशिप के लिए, तो बहुत सारे ऑप्शन उनके लाइफ में अभी घिरे हुए हैं, वो वहीं पे बिजी है, और इसीलिए आपको फिलहाल वो कुछ बात नहीं कर रहे, वो चुप बैठे, उन्होंने मतलब उनके दिमाग में एक्शन है बट वो बात नहीं कर रहे, जुबान से वो बात नहीं करेंगे, वो देखेंगे जैसे उनके हाथ में कोई स्टेबल फाउंडेशन आता है, डेफिनेटली वो आपको एक लव प्रपोजल देंगे, एक्शन लेंगे और क्विक, उस टाइम वो कुछ भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको लगते हैं उनको बड़े अच्छे लगते हैं, एक सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप लगते हैं उनको। यस मैंने बोला आते हुए दिख रहा है और ये कार्ड आ गया प्रपोजल का कार्ड, और वो वेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन का, ऐसी हालात का कि जो उनके फेवरेबल में रहेंगे, जैसे ही आती है वो तुरंत एक्शन लेंगे और एक फैमिली आपके साथ, आप लगते हैं उनको विश फुलफिलमेंट। और यस आप किसी किसी के लिए सोलमेट भी, सिक्स की एनर्जी बड़ी आ रही है, और सारे कार्ड देखिए, रीयूनाइट होना, न्यू एक्शन लेना, मैं कितने कार्ड निकालो, सारे के सारे कार्ड उनके पॉजिटिव आ रहे हैं। यस आपको रिकनसाइल होना चाहते हैं, अगर किसी की अपने पार्टनर के साथ बातें अच्छी नहीं हो रही थी तो यस अब उनकी बातें भी अच्छी होंगी। हो सकता है आपकी जो पर्सन है उनको पता चले कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो या फिर आप उनके सोलमेट हो, हो सकता है उनको ड्रीम आ जाए आपको लेके, कुछ ना कुछ उनको ऐसी इंट्यूशन ऐसी गाइडेंस मिल रही है जिन पे वो सोच रहे हैं और उनके मन में वो चीज़ें आ रही हैं, बट वो आपको बताएंगे नहीं। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी लग रही है किसी के लिए, वन डे वन आवर्स से लेके सिक्स डे सिक्स आवर्स, दिस इज़ अ फाइनल। और किसी किसी को हो सकता है क्योंकि सिक्स 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 के एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल आई है। यस सिक्स नंबर इज अगेन रिप्रेजेंट यूनियन एंड वेरी गुड लव कम्युनिकेशन, लव कनेक्शन। तो यस अगले छः घंटे में, छः दिन में, या छः वीक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट फिर भी मैं बोलूँगी रिकन्सिलेशन आपकी डेफिनेटली हो रही है, रीयूनाइट हो रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट मिल रही है, लव प्रपोजल मिल रहा है, आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है,
किसी के लिए हो सकता है 1 day, 1 hour, 1 week, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बट आ रहे हैं गाइस। आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है और ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी अपने लाइफ में, जितना भी आपने इंतज़ार किया है, जितना भी आपने इस अपना पेशेंस बनाए रखे है इस रिलेशनशिप के लिए, उसका एक अच्छा बेनिफिट, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये था आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। मैं देखूँगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। वैसे एंजल की गाइडेंस निकालने की ज़रूरत है नहीं, एंजल ने पहले ही बता दिया, बट मेरी वो अभी रीडिंग करने की वो हॉबी हो गई कि हर रीडिंग के एंड में मैं एंजल गाइडेंस डेफिनेट निकालती हूँ। एक्चुअली इस चीज़ के लिए मैं इंस्पायर हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, तो उसका वो इम्प्रूव हो जाएंगे। आपके पार्टनर वही ना, दुनिया भर के झमेले में वो अटके हुए हैं, निकल जाएंगे। हर किसी की दिक्कत अलग अलग रहती है, किसी की लॉन्ग टर्म की दिक्कत रहती है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, और किसी की दिक्कत बड़ी छोटी है, बड़ी कम है, कहाँ जाना पड़ा या कुछ काम आ गया, तो यहाँ पे यस इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे यूनियन ही दिख रहा है मुझे, देखिए एंजल का गाइडेंस है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पे दिख रहा है कि यस एक होप आती हुई दिख रही है, आशा का एक किरण, अच्छा सा एक इतना अच्छा क्लाइमेट, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे आपके सिचुएशन में भी आ जाएगा, आपकी आपके लव कनेक्शन में भी आ जाएगा। और हाँ गाइस, मैंने बोला था कि करियर के लिए, तो करियर के लिए भी मुझे दिख रहा है ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएंगी। हो सकता है अगले 6 दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि 9 of cups की एनर्जी आई थी, तो कोई गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आ रही है अगले 6 से 9 दिन में। किसी का एग्ज़ाम है तो उसमें भी उसको सक्सेस मिल जाएगी। फॉरगिवनेस, यस, अगर आप गुस्सा कर रहे हो और आपने किसी को दुखा दिया है तो आप उनसे भी माफ़ी मांग लो, और किसी के लिए आप मन में इतना गुस्सा लिए बैठे हो तो उनको माफ़ कर दो। ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं गाइस, रेड फ्लैग्स अपने रिलेशनशिप में क्यों इनवाइट करनी है। मुझे ये रीडिंग करके बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यस आपको ही मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। रोमांस डेफिनेट आएगा, और नीचे आया है बॉटम ऑफ द डेक, यस। इस रिलेशनशिप में होप्स है, आप फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो उनको, इतना ज़्यादा गुस्सा दिमाग में लिए मत बैठो, उनको थोड़ा स्पेस दो, टाइम दो, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगे। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है, और एंजल ने हरी झंडी दे दी है आपको इस रिलेशनशिप के लिए। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, और अच्छे अच्छे टॉपिक मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। मैं अभी एक रीडिंग और करने वाली हूँ, करियर के लिए मैं करने वाली हूँ, किसी ने मुझे बोला है वो पर्सनल कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ गाइस, एक बात भी मुझे बतानी है कि देखिए ये रीडिंग यहाँ पे तो मैं फ्री गाइडेंस देती हूँ, बट जब पर्सनल कंसल्टेशन रहते तो वहाँ वो पेड है, उसके चार्जेस है। तो अभी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वो रेट तो नहीं डाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, बट पर्सनल कंसल्टेशन पेड है, बस इतनी बात ध्यान रखना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।